भैया एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये है ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला। ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा पर्यटक मौजूद होते हैं और डेली यहाँ पे हजारों लाखों जो बाहर से पर्यटक घूमने आते हैं यहाँ पे आते हैं। सबसे वेल स्टेब्लिश जगह मानी जाती है ऋषिकेश की, क्योंकि लक्ष्मण झूला है, इसके आगे से फिर पहाड़ों की चढ़ाई शुरू होती है और आगे जो सबसे पवित्र मंदिर है वो यहाँ पे है ऊपर। लेकिन अब चुनाव का मुद्दा है, चुनाव की सब बातें हो रही हैं, तो जानना ये भी दिलचस्प होगा कि ऋषिकेश की जनता का क्या रुख है, जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है और क्या कुछ उसके मुद्दे हैं, क्या एजेंडाज हैं जिसके ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो यहाँ कुछ लोकल लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया सबसे पहले तो आप बताएं आपका क्या रोजगार है यहाँ पे? फोटोग्राफी। आप फोटोग्राफी करते हैं, तो आपकी लाइफ के क्या कुछ मुद्दे हैं, आप क्या चाहते हैं चुनाव में क्या कुछ होना चाहिए? बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, देखो दोस्त आगे और बताएंगे। चलिए इन्हें जानकारी नहीं है, ये इन्हें कुछ इस बारे में नहीं कहना चाहते कि चुनाव में क्या रुझान है, क्या कहना चाहते हैं। एक और महाशय हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। चुनाव आने वाला है, चुनाव में क्या कुछ आपके एजेंडाज, क्या मुद्दे होंगे आपके एक आम पब्लिक के नाते? क्षेत्र का विकास होना चाहिए। अभी जो सरकार है उससे आप खुश हैं? कांग्रेस सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है। क्या चाहते हैं, शिकायतें क्या हैं? विकास के नाम पर सुन रहे हैं। अच्छा विकास नहीं हो रहा? विकास नहीं हो रहा। तो किससे उम्मीद है आपको? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उसी के नेतृत्व में जो भी सरकार बनेगी पूरी उम्मीद है विकास होगा। तो बीजेपी की सरकार चाहते हैं कि विकास हो, और विकास के लिए चाहते हैं कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा विकास नहीं होगा। दूध वेंडर है, ये दूध पहुंचाते हैं, कहां सप्लाई होती है दूध आपकी? राम झूला लक्ष्मण झूला पे दूध सप्लाई करते हैं दुकानों पे चाय के लिए। हाँ तो आपको ये तो पता ही होगा चुनाव आने वाले हैं, एक आम पब्लिक होने के नाते आपसे जानना चाहते हैं जो अब सरकार है उसके कामकाज से आप कितने खुश हैं? बढ़िया है जी, हम तो खुश हैं। कुछ परिवर्तन चाहते हैं? क्या परिवर्तन चाह रहे हैं? कुछ चाहते हैं क्या? जो चल रहा है वो बढ़िया चल रहा है। तो देखिए अगर कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई कांग्रेस के कामकाज से भी काफी खुश दिखाई दे रहा है। कुछ और लोग भी हैं उनसे जानते हैं। आप सब लोग यहाँ के लोकल हैं? लोकल नहीं है तो एक मिनट हटिए। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मैडम चुनाव आने वाला है, क्या कुछ आपके इशू होंगे, क्या आपके मुद्दे क्या होंगे चुनाव के, किसे आप वोट करेंगे? मैं तो यहाँ की हूँ नहीं तो मैं क्या बताऊँ। अच्छा आप यहाँ के नहीं हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं तो कानपुर से आई। अच्छा यूपी से आए, यूपी में भी चुनाव है लेकिन, और आप भी गंगा किनारे के वोटर हैं क्योंकि कानपुर में भी गंगा बहती हैं, तो आपका वहाँ का कुछ एजेंडा, कोई ऐसा मुद्दा है? कहाँ बताइए। चलो ये नहीं बोल पा रही हैं, इन सर से जानते हैं। आप इन्हीं के साथ आए हैं? नहीं सर, हम तो यहीं रह रहे हैं। अच्छा आप यहीं रहते हैं, आपका क्या मुद्दा होगा? सर हमारा मुद्दा यह है यहाँ का विकास और ये जो अपनी भ्रष्ट नीतियाँ हैं गवर्नमेंट की उसके खिलाफ यहाँ बदलाव चाहिए ही चाहिए, क्योंकि सर यहाँ जो कांग्रेस के राज में नहीं हो पाया वो बीजेपी के राज में हम लोगों ने करने की सोची है। हम लोग रहने वाले तो बाहर के हैं लेकिन यहाँ 10 साल से रह रहे हैं और हमारे वोटर आईडी वगैरह सब कुछ यहीं के, अब एक तरह से लोकल बासिंदे हो चुके हैं यहाँ। और इस बार यहाँ हमारे सुबोध उनियाल जी खड़े हैं यहाँ से, उनको सपोर्ट, वोट सपोर्ट और हर तरह से उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश है हमारी और चाहते यही मतलब है कि आपका मत है कि आप परिवर्तन की तरफ जाएंगे। कुछ और छोटे लोकल वेंडर्स हमारे साथ यहाँ पर हैं जो कि कुछ सामान बेच रहे हैं, इनसे भी जानते हैं। सर आप ये क्या बेच रहे हैं? ये मछलियों के लिए चारा बेच रहे हैं। मछलियों का चारा कौन खरीदता है इसे? ये यात्री लोग खरीदते हैं। अच्छा यात्री खरीदते हैं, मतलब आपकी कुछ मांग है सरकार से कि सरकार आए, सरकार आपके लिए कुछ करे? देखिए सरकार तो देखो बदलना चाहिए जी, इसलिए कि गरीबों के लिए बहुत दिक्कत है ना। अच्छा। गरीबों के लिए क्या है, कुछ नहीं है। नहीं तो नई सरकार आएगी तो आपको क्या उम्मीद है, आप कुछ काम बदल देंगे अपना? नहीं, काम जो नई सरकार आएगा जो अच्छा काम करेगा उसको तो वोट देने देने हैं। अच्छा इसलिए किस सरकार को वोट देंगे? आना चाहिए बीजेपी को, मतलब ये कहते हैं कि वक्त की मांग है कि बीजेपी को आना चाहिए। चलिए कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आप यहाँ के लोकल लोग हैं भैया, कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आए हैं, यूपी में चुनाव है जानते ही होंगे। बिल्कुल। यूपी के वोटर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी। आप? बीजेपी। मतलब इनका एजेंडा है कि ये चाहते हैं कि, अच्छा आपसे पूछना चाहते हैं क्यों आपने बीजेपी को चुना, वजह? मोदी जी को लेके। अच्छा आपका? मोदी जी का काम बहुत अच्छा लगता है, उनका उनकी बातें, उनका जो भी वो लेते हैं, मतलब नए नए रोजगार ला रहे हैं सब कुछ। बात है यूपी की राजनीति की, और अगर
उत्तराखंड की राजनीति देखनी है और बात करनी है ऋषिकेश की, तो थोड़ा आगे चलते हैं और शायद ये बात यहीं जाके खत्म होगी कि जब हम लक्ष्मण झूला पे पहुंच जाएंगे। लक्ष्मण झूला पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ के वोटर्स, यहाँ की जनता क्या चाहती है, किस तरह का बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, या फिर जो मौजूदा सरकार है उसके कामकाज से लोग पूरी तरह से खुश हैं। और कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। आप यहाँ के लोकल लोग हैं, नहीं बोलना चाहते हैं? देखिए, कुछ लोग अपना इंटरेस्ट होता है कि वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते, चाहे दुनिया जहान की बात करेंगे लेकिन राजनीति की बात से बचना चाहते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग वो भी होते हैं जो कि अपने वोट का भी इस्तेमाल नहीं करते, और यही वजह है कि वोट का पूर्णतः इस्तेमाल नहीं हो पाता है। एक सेकंड मैडम, साइड दीजिए। सर, आप यहाँ के लोकल हैं? एमपी से आए हैं। चलिए, कुछ लोकल लोगों को ढूंढते हैं और उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, किस तरह का रुझान है, कहाँ की सियासी हवा बह रही है। लेकिन तब तक हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं, आपको कुछ अच्छा नज़ारा दिखाते हैं। ये लक्ष्मण झूला का वो पुल है जो कि अविरल गंगा के ऊपर से गुजरता है। नीचे कलकल करती गंगा जी बह रही हैं और ऊपर लोग गुजर रहे हैं। खास तौर से पर्यटक यहाँ पर भारी मात्रा में आते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं कि ये दिलचस्प नज़ारा देखने के लिए कि आखिर किस तरह से कुदरत का एक गिफ्ट कहिए कि बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। ये कुछ लोकल लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ जी, क्यों कहिए। बाबा जी, हम बात कर रहे हैं चुनाव की। अच्छा। चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं, कैसी हवा बह रही है, किस तरह के आपके आपसे कल भी नहीं हूँ तो उत्तराखंड का तो हूँ। अच्छा, उत्तराखंड से हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। मेरा राइट से बनता है कि मैं आप ही की तरह क्या देखिए, जो राष्ट्र चाह रहा है सत्पुरुष को जी, चरित्र युक्त को जी, और चरित्र संपन्न को जी, उस बस राष्ट्र की मांग ये है। और जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जिसका लक्ष्य हो जी, और जो राष्ट्र के लिए मर मिटे उसको चाह रहा है। चलो, आप खुल के बता ही दीजिए आप किसे चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बताऊंगा यही गोपनीय है। भाजपा बस इति तु गोपनीयो एम विषय, ये कह रहा हूँ मैं जी, गोपनीयम विषय, ये मंतव्योयम विषय बस। जैसा कि हम पहले से देखते भी हैं कि जो वोट है वो अपना एक पर्सनल और एक सीक्रेट राइट होता है, कि आदमी एक फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करता है, लेकिन वोट हमेशा उजागर नहीं की जाती कि हम अपना वोट किसे देंगे। और ये अपने इंटरेस्ट की बात होती है, जैसे कि बाबा जी ने बताया कि एक अच्छा चाहते हैं कि जो भी आए साफ सुथरी छवि का आए, चाहे पार्टी कोई भी बने लेकिन नेता साफ सुथरी छवि का हो, परिवर्तन हो, विकास हो। बाबा जी का पता लिख लो, डॉक्टर प्रेमलव शास्त्री जी, समझ गए जी। अभी आपसे बात करते हैं, कुछ और यूथ भी हमारे साथ हैं। आप एक युवा हैं, युवा के नजरिए से उत्तराखंड को किस तरह से देखना चाहते हैं, उत्तराखंड कैसा होना चाहिए? सर, उत्तराखंड में जो विकास होना चाहिए, और जहाँ सड़कों का विकास नहीं है और नेता लोग जो पैसा शासन की दृष्टि से आता है, जो उसको सदुपयोग होना चाहिए उस पैसे का, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैं एक बताना चाहूँगा कि उस पैसे को एक सही तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया है एक यूथ होने के नाते, कि जो पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट उसे सही ढंग से इस्तेमाल करे, और ताकि वो पैसा कहीं ना कहीं देश के विकास का हिस्सा बने। अच्छा, ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, और यही वजह है कि दिखता है उनके जो उन्होंने एक बयान दिया उसमें दिखता है कि किस तरह का इनका विजन है। इन लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? आप किधर से आए हैं? आप मतलब उत्तराखंड से ही हैं आप भी? आपको बताइए, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और आपसे जानना ये है कि किस तरह का उत्तराखंड में विकास चाहते हैं आप, किस तरह की सरकार चाहते हैं, किस तरह का नेता चाहते हैं? बताओ, तुम बताओ। सरकार जैसा नहीं, सरकार हम एक चाहते हैं, बहुत ही करप्ट फ्री सरकार जहाँ पे काम होते रहे, बीच में करप्शन ना हो, बिकॉज करप्शन के चक्कर में पूरा देहरादून धस रहा है धीरे धीरे। गाड़ियाँ बढ़ रही हैं लेकिन रोड नहीं बढ़ रहे हैं, रोड वैसे के वैसे ही हैं। एक आध फ्लाईओवर बना के गवर्नमेंट बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बात यह है कि सड़क सारी सड़कें सही होंगी तब जाके देहरादून में जो जाम लग रहे हैं बहुत ज़्यादा वो बंद हो जाएगा। मैडम, आप भी आगे आइए, आप शायद कुछ कहना चाहती हैं, तो आप बताइए। आप वैसे आप स्टूडेंट हैं, क्या है, जॉब करते हैं? हम लॉ स्टूडेंट हैं, हम लॉ स्टूडेंट हैं, हम लोग इकफा यूनिवर्सिटी देहरादून सेलाकू में पढ़ते हैं।
स्पेशली वहाँ का सड़क बहुत ही खराब है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन स्टूडेंट के बाद सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि स्टूडेंट के बाद जब वो जॉब ढूंढने जाते हैं भैया स्ट्रीट लाइट्स नहीं है वहाँ पे, ये भी बोलना चाहते हैं। देहरादून पहले बहुत सुंदर शहर माना जाता था, लेकिन आजकल सर क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है देहरादून में, लड़कियों को निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले ऐसा नहीं था सर, पहले देहरादून बहुत सेफ हुआ करता था, बट अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कहना चाहते हैं? मुझे भी यही प्रॉब्लम है कि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है कॉलेज के टाइम में, और हम कार से ट्रेवल करते हैं तो हमारी कार हमेशा वहाँ पे स्टक हो जाता है। इसके बाद जब भी लोग आप जॉब ढूंढने निकलेंगे, आप कॉलेज खत्म हो जाएगा, तो क्या लगता है आपको देहरादून में जॉब मिल पाएगी या फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी सर, देहरादून में बिल्कुल जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सर रीजन बीइंग इन्वेस्टमेंट। चलो अगर देहरादून छोड़ दिया जाए तो क्या उत्तराखंड में जॉब मिलेगी? हरीश रावत जी खाली जा रहे हैं बाहर, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है सर, खाली एक मतलब पब्लिक सेक्टर के नाम पे कंपनीज के नाम पे कुछ नहीं आ रही है सर, खाली डेली वेज वर्कर्स को जॉब मिल रहा है, नहीं तो बैंकर्स को जॉब मिल रहा है सर। हम लोग तो दिल्ली ही जाएंगे सर बाहर जॉब के लिए, यहाँ कहाँ हम लोग। क्या चाहते हैं, किस तरह की सरकार बने आपके लिए, क्या कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कुछ हो? किस तरह की सरकार से मतलब नहीं, मतलब है कि जो भी सरकार बने करप्ट फ्री सरकार हो। सर करप्शन बहुत बड़ा है, करप्शन नहीं होनी चाहिए उत्तराखंड में, बहुत ज्यादा बड़ा सड़क है वो सही हो। एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कहना चाहते हैं, लास्ट बाइट आपकी? एम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पे कम है, डेवलपमेंट हो, स्कोप कम है, इंडस्ट्रीज कम है, लॉ फर्म्स नहीं है। जब तक सर बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा देहरादून में, तब तक एम्प्लॉयमेंट क्या कुछ भी नहीं होगा सर, नहीं है वैसा। थैंक यू सर। चलिए तो देखिए, आपने यूथ था जो यूथ का, ये उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, देहरादून के रहने वाले लोग हैं, जहाँ देहरादून से सरकार चलती है वहाँ के लोग हैं, वहाँ का यूथ है, और तमाम समस्याएं गिना दी हैं इन्होंने कि कुछ क्या कुछ समस्याएं सामने आती हैं और क्या कुछ बदलाव चाहते हैं, नई सरकार कैसी हो इस बारे में बता दिया है। एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, स्ट्रीट लाइट चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं महिलाओं की, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो चाहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हवा का क्या कुछ रुख है, सियासत क्या कुछ कहती है, देवभूमि में किस तरह का परिवर्तन लोग चाहते हैं ये भी आप देख चुके हैं, और किस तरह की सरकार और किस तरह का अपना प्रतिनिधि चाहते हैं ये भी आप देख चुके हैं। लक्ष्मण झूला से कैमरामैन कमलेश कमल के साथ गौरव सिंह, कोबरा पोस्ट के लिए।